नोएडा एक्सटेंशन, नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कई लोगों की अपनी अपनी जाती राय हैं, लेकिन हकीकत आपको यहां आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज हार्ट ऑफ नोएडा एक्सटेंशन, गौर चौक बोलते हैं इसे, चार मूर्ति बोलते हैं इसे। गौर सिटी सेंटर आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है। ये रास्ता सीधा एक मूर्ति को होते हुए परी चौक की तरफ कनेक्ट करता है। अभी जो आप गोल चक्कर देख रहे हैं, इसको शाबेरी गोल चक्कर बोला जाता है, जिसके आसपास में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। डेटा सेंटर आपके स्क्रीन पे है अभी, जिसका उद्घाटन अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ दिन पहले किया था। तो ये नोएडा एक्सटेंशन का सबसे पहला डेटा सेंटर है। इनफैक्ट ये यूपी के लिए एक प्राउड की बात है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ध्यान दें तो कई सारे मॉल्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड द राउंड अबाउट विच यू आर लुकिंग एट राइट नाउ ऑन द स्क्रीन इज एक मूर्ति। अभी हम बढ़ चुके हैं आगे नॉलेज पार्क 4 और 5 की तरफ, और ये बीच में जो ये लेन जा रही है जिसके ऊपर आप ग्रीनरी देख रहे हैं, इसके ऊपर नोएडा मेट्रो एक्सटेंड होकर आ रही है। जी हाँ, सेक्टर 52 तक जो मेट्रो आई है, और लेफ्ट की साइड अभी इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्टर 63 की तरफ चली जाती है, तो ठीक वहीं से सेक्टर 52 से आगे की तरफ वो बढ़ के आई है। सामने आपको स्क्रीन पे दिखेंगे बहुत सारे वर्ल्ड क्लास स्कूल्स, SGS विश्वनाथम, ट्रिनिटी, इन्फिनिटी। उसके ऑपोजिट साइड की बात करें तो GD गोयंका, DPS, सेंट फ्रांसिस, देयर सो मेनी स्कूल्स अराउंड। अगर यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, सिक्का का प्रोजेक्ट है, ATS का प्रोजेक्ट है, स्कार्डी का प्रोजेक्ट है, विक्ट्री वन सेंट्रल का प्रोजेक्ट है। सामने डी पार्क है, ये 130 मीटर का हाईवे है। जस्ट इमेजिन, 130 मीटर का हाईवे है जिसके अंदर 80 मीटर का तो मेन रोड है एंड द रेस्ट आर फ्रॉम द सर्विस रोड्स। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो डेवलपमेंट है, जो एक्चुअल डेवलपमेंट है, वो आपको दिखेगी। नोएडा एक्सटेंशन आपको दिखेगा 380 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये इकलौता शहर है इंडिया का, और विश्व स्तर पे ये एक पहचान रखता है। इस शहर में आपका अपना घर हो ऐसा कौन नहीं चाहता है। हम लेके आए हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके सपनों को साकार कर देगा, और दिल्ली NCR में आपका अपना घर, छत भी अपनी, जमीन भी अपना। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, उतना ही अच्छा लगेगा जब आप इस घर के अंदर बुनियाद रखेंगे, उस घर की नींव रखेंगे और उस घर में अपनी लाइफ जिएंगे। तो अब हम यहां से अपने प्रोजेक्ट की जर्नी शुरू कर रहे हैं। 130 मीटर रोड से अब हम लोग लेफ्ट ले रहे हैं। एक मूर्ति से लगभग 4 किलोमीटर अभी हम लोग आए हैं, वहां पे आकर के हमने लेफ्ट लिया है। तो ये जो रोड आपको दिख रही है, दिस इज एक्चुअली 60 फीट वाइड रोड, जो कि 130 मीटर से अंदर की तरफ को जा रहा है। सैनी सुनपुरा विलेज पड़ता है, और लगभग 300 मीटर जब आप इस रोड पे चलते हैं 130 मीटर रोड से लेफ्ट लेने के बाद, तो 300 मीटर पे जाकर के हमारा प्रोजेक्ट आपके राइट हैंड साइड पे आ जाता है। अभी हमने प्रोजेक्ट में एंट्री कर ली है। हियर वी गो, दिस इज नेचर वैली, योर ड्रीम होम। 24 फुट की एंट्री, जस्ट इमेजिन 24 फुट की एंट्री रोड। तो एक गाड़ी अगर आप 7 फीट की भी पकड़ लीजिए, तो अगर दो गाड़ियां आसपास अगर आने में और जाने में भी एक साथ अगर इस रोड पे आ रही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी कॉलोनी के अंदर आपको एंट्री और एग्जिट करने में। और अगर हम टोटल इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो 25 बीघे का प्रोजेक्ट है। जी हाँ, 25 बीघे का प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर प्लॉट के सारे साइजेस ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द 50 स्क्वायर यार्ड, और आगे आपको जो दिल करे वो साइज ले सकते हैं। दिस इज फ्री होल्ड प्रोजेक्ट, और फ्री होल्ड प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि आपका इसके अंदर पक्की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज होता है म्यूटेशन। तो एब्सोल्युटली दिस इज गोइंग टू बी अ सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल पे संपर्क करें, और आप जाने बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है एक घर की। अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हैं और सुदूर क्षेत्र से यहाँ पे रोजगार की तलाश में या व्यवसाय की तलाश में आप आए हैं, और आपने बहुत कुछ स्टैब्लिश कर लिया, लेकिन आपके पास अपना घर नहीं है, आज भी आप किराए पे रह रहे हैं, तो डेफिनेटली घर एक इमोशन वाली चीज होती है। अगर आपका अपना घर है तो आपका व्यापार, आपकी नौकरी, हर जगह आपकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। तो आप हमारी साइट पे आएं, नेचर वैली पे, जो कि सैनी सुनपुरा में स्थित है, एक मूर्ति से लगभग 4 किलोमीटर। तो आप आएं और हमारी साइट को विजिट करें। धन्यवाद।